देव उठानी एकादशी और तुलसी विवाह 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है। कहा जाता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद नींद से जागते हैं और फिर से सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, इसलिए इसे देव उठानी कहा जाता है। इस दिन से सभी शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह का भी प्रावधान है। देव उठानी एकादशी पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये एकादशी सबसे बड़ा दिन माना गया है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो देव उठानी एकादशी 22 नवंबर 2023 रात 11:03 से 23 नवंबर 2023 रात 9:01 तक है। पूजा का शुभ समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक है और शाम में 5:25 से रात 8:46 तक रहेगा। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और शास्त्रों में इस दिन को लेकर कुछ विशेष नियम के बारे में भी बताया गया है। तो जान लेते हैं कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पितरों के नाम का इस दिन दान भी अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु का अभिषेक करें और देसी घी का दीपक चलाकर आरती करें। भगवान विष्णु का भोग लगाएं और भोग में गन्ना व सिंगाड़ा भी अवश्य रखें। इस एकादशी पर गाय की सेवा करें और गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। आइए जानते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी पर क्या ना करें। इस दिन चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। बताया जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन लहसुन प्याज और आदि तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। देव प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।